न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। दो महीने में भव्य गंगा आरती के साथ संगम महोत्सव का समापन हुआ, जिसमे करीब 1,00,000 से भी अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी महापर्व के रूप में सुविख्यात मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर सोमनारी स्थित दुमानी संगम घाट पर दुमानी संगम महोत्सव का भव्य गंगा आरती का एक भव्य आयोजन हिंदोत्सव समिति तथा उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। जमशेदपुर वासियों को बनारस एवं हरिद्वार के तट पर गंगा आरती का दिव्य दर्शन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक नंदना गुप्ता द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके बाद बनारस से आए ब्राह्मणों द्वारा देव पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्य यजमान के रूप में देव पूजन एवं अपने संबोधन में कहा कि इस उत्सव की योजना के प्रारंभ से हिंदुत्व समिति एवं उम्मीद की पूरी टीम इनके संपर्क में थी और सरकार की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा संगम तट पर 5100 दिए जलाकर दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ विशाल काया अल्पना दीपक की रोशनी में अद्भुत सौंदर्य प्रदर्शित करने का कार्य कर रही। साथ ही साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का उद्घोष कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का कार्य किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवतु। I'm